ये है एटम बर्ग रेनेसा प्लस का सीलिंग फैन बॉक्स और इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या अलग अलग फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। वीडियो के अंदर हम इस फैन के कुछ यूएसपीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। अब एटम बर्ग जो है वो सीलिंग फैन की कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स में से एक है और इनके सीलिंग फैंस लुक्स और डिजाइन के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। अब इसके अंदर हमें दो बॉक्स दिए गए हैं। एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको सीलिंग फैन मिलेगा और सेकंड के अंदर यहाँ पर आपको ब्लेड्स मिल जाते हैं। दोनों को हम वन बाय वन अनबॉक्स करेंगे। सबसे पहले इस छोटे वाले बॉक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एटम बर्ग का ब्रांड नेम दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक बायपास रेगुलेटर का स्टिकर दिया गया है, यानी कि इस फैन को यूज करने के लिए आपको कोई रेगुलेटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप इसको रिमोट की हेल्प से इजिली कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद में इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है, जैसे कि इसके ऊपर मिलने वाली वारंटी, इनकी रेटिंग्स और रिव्यूज के बारे में बताया गया है एंड ओवर 1 मिलियन यूजर्स एटम बर्ग के हो चुके हैं, ये भी इस बॉक्स के ऊपर मेंशन किया गया है। अदर साइड पर भी इसके कुछ फीचर्स को फोटोज के थ्रू मेंशन किया गया है। इन सभी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इस बॉक्स को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि अंदर आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको रिमोट सेल्स मिल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ नट बोल्ट्स दिए गए हैं और ये रहा आपका रिमोट, जिसकी हेल्प से आप इसको कंट्रोल करेंगे। इस रिमोट की हेल्प से लाइव टेस्टिंग हम आगे वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ये फैन की रॉड है, जिसकी हेल्प से फैन को हम हैंग करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको सीलिंग फैन की मोटर मिल जाती है, जिसके ऊपर इसकी स्टार रेटिंग और इसकी सर्विस वैल्यू को मेंशन किया गया है। मोटर का लुक आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फैन की कवरिंग कैप मिल जाती है, जिनके ऊपर एटम बर्ग की ब्रांडिंग दी गई है और उसके अलावा भी कुछ इंस्टॉलेशन एसेसरीज दी गई। अब यहाँ पर बारी आती है ब्लेड बॉक्स की और अगेन उसके ऊपर भी इसके कुछ फीचर्स और कुछ यूएसपीज को मेंशन किया गया है। 1200 mm ब्लेड्स का साइज है। अब ब्लेड्स के आपको डिफरेंट वेरिएंट में मिल जाएंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको चूज कर सकते हैं। फैन के जो ब्लेड्स हैं उनको वुड फिनिशिंग दी गई है और कुछ इस तरीके की डिजाइन यहाँ पर आपको मिल जाती है। क्वालिटी वाइज परफेक्ट है और लुक्स मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। अब स्पेशल बात यह है कि ये अलग अलग कलर ऑप्शंस में आपको मिल जाता है, मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना पसंदीदा कलर चूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ब्लेड साइजेस भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। 4 अलग अलग साइज यहाँ पर आपको दिए गए, जिनको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब ये एक 5-स्टार रेटेड फैन है और ये जो मोटर है वो BLDC मोटर है। अब उसी रीजन की वजह से ये सीलिंग फैन आपको अप टू 65% पावर सेविंग भी प्रोवाइड कराता है इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल फैन। की एयर डिलीवरी के बारे में इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कराते हैं। इंस्टॉलेशन फाइनली हो चुकी है और सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके रिमोट फंक्शंस के बारे में। अब अनबॉक्सिंग के दौरान जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके साथ में आपको एक रिमोट में मिलता है, जिसकी हेल्प से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट की टॉप साइड पर आपको एक ऑन ऑफ बटन मिलेगा, जिसको प्रेस करते ही आपका फैन ऑन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोल्स नंबर बटन दिए गए हैं, जिनको प्रेस करके आप अलग अलग स्पीड पर इसको चला सकते हैं। 5 स्पीड सेटिंग्स यहाँ पर आपको दी गई है और एयर फ्लो रेट की अगर बात करें तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। बहुत ज्यादा अच्छी फैन की स्पीड यहाँ पर आपको मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक बी बटन मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप इस फैन के बूस्ट मोड को ऑन कर सकते हैं। अब बूस्ट मोड के अंदर फैन जो है वो हाईएस्ट स्पीड पर काम करेगा और हाईएस्ट स्पीड पर चलने के बावजूद ये फैन सिर्फ 35 वॉट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। उसके नीचे हमें यहाँ पर टाइमर बटन दिया गया है। टाइमर बटन के साइड में यहाँ पर आपको एक LED लाइट की मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आप फैन के अंदर लगी हुई लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये लाइट इसके लुक्स को थोड़ा सा और बेटर करती है। बटन की हेल्प से आप इस लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इस लाइट का बेनिफिट एक ये भी है कि ये आपको स्पीड के बारे में भी बताएगा, मतलब कि जितनी स्पीड आपके फैन की होगी उतने ही डॉटेड लाइट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। और लास्टली यहाँ पर आपको एक स्लीप बटन भी दिया गया है। इस फैन के प्राइस के बारे में बात करें तो उसका 1200 mm का साइज 4 से 5000 rupees के अप्रॉक्स इजिली परचेज कर सकते हैं और टोटल यहाँ पर आपको एटम बर्ग की तरफ से 3 ईयर्स की वारंटी भी मिल जाती है। फैन की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि ये इलेक्ट्रिसिटी सेविंग में बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि एक 5-स्टार रेटेड फैन है और साथ साथ ये लुक्स वाइज भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब एटम बर्ग एक अवार्डेड ब्रांड भी है और अगर कॉन्स की बात करी जाए तो इस फैन के अंदर मुझे कोई भी मेजर कॉन्स देखने के लिए नहीं मिले। इस फैन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल रह गए हैं तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके।